गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू बीएनएस पिक्चर। और दोस्तों आज हम ये वाली एडिटिंग करने वाले हैं, या तो आपको इधर दिख रहा होगा या फिर इधर दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस फोटो को हम आज ऐसा बनाने वाले हैं, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आगे और वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। हे गाइस, तो सबसे पहले हम अपने फ़ोटो को फोटोशॉप में लेकर आ जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क रहता है वो ये रहता है कि हमें सबसे पहले पेन टूल को सिलेक्ट करना होता है, जिससे हम इस फोटो की क्रॉपिंग करेंगे, यानी कि जितना भी हम एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारा इस फोटो के अंदर हटा देंगे। जो हमें चाहिए हम सिर्फ वही रखेंगे अपने पास, जिसके ऊपर हमें अपना वर्क करना है। और दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी इसमें क्रॉपिंग करके दिखा देता हूं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमें जूम करके इसे क्रॉपिंग बनानी होगी, इसके चारों तरफ फ़ोटो के जो जो चीज़ें हमें लेनी है, और जहां ज़रूरत होगी वहां मैं आपको बता दूंगा। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। फेस के पास से हमें थोड़ा ध्यान रख के इसे क्रॉपिंग करना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ईयर्स के पास से वैसे ही, और बालों के पास से हम इस तरह थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट ले लेंगे साथ में, वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या होगा। तो आप देखते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी बहुत सारी आती रहती हैं और आगे भी आने वाली हैं। तो इस तरीके से हम ये क्रॉपिंग कर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्शन मास्क कर लेंगे, ओके कर देंगे। हमें जाना है सबसे पहले सेलेक्ट में, फिर सेलेक्ट एंड मास्क को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें लेना है ये वाला ब्रश, इस तरीके से हमें करना है। ये एजिस ब्रश कहते हैं दोस्तों, इसका नाम एजिस ब्रश है। इससे जितने भी हमारे बाल है वो सही तरीके से हमारे क्रॉपिंग हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारा चला जाएगा। इस तरीके से आपने इसे धीरे धीरे करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है, पर ये अच्छा वर्क, अच्छा रिस्पॉन्स देता है ये ब्रश। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। तो दोस्तों ये सेलेक्ट होने के बाद ये जब हम कर लेंगे तब हम इसे अब ओके कर देंगे, और इसके बाद हम इस मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल में हम इसकी फ्लो को हम पूरा कर देंगे, और यहाँ पर साइज हम थोड़ा सा हार्डनेस भी ज़्यादा रखेंगे हम, और इस तरीके से हम अपने बालों को सेट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने अपने बाल सेट कर लिए हैं, अब हमें इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड रहना है। यहाँ पर जाएंगे और हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, शेप वाला, और यहाँ से इस तरीके से हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे ब्लैक। ये हो गया हमारा ब्लैक बैकग्राउंड, ये सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा सही इधर बिठा देंगे, और अपने फ़ोटो को भी सिलेक्ट टूल की वजह से थोड़ा सा सही तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे जितना हमें रखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, मैं आपको जल्दी, पर आपने जब करना है तो बड़े ध्यान से और आराम से करना है। तो गाइस अब हमारा फोटो सेटअप हो चुका है, तो अब हमें सबसे पहले इसका क्या काम करना है, हमें इसको वही वाला कलर देना है जैसे डेविल का हमने अपने थंबनेल में दिखाया था, वो वैसा ही हमने इसे बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाके ये हम ब्लैक एंड वाइट इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा रेड को जो है थोड़ा सा कम कर देंगे माइनस में, उसके बाद येलो को भी थोड़ा डाउन कर देंगे, बहुत मामूली सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही, वरना ख़राब हो जाएगा फोटो। तो ऐसे गाइस हमने ये सब करना है, तो यहाँ से हम इस तरीके से हल्का सा कर देंगे इसे, उसके बाद ये हमारा हो चुका है।
अब हमें क्या करना है, अपना फोटो को इसके साथ सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पर जाना है फिल्टर में, कैमरा रो फिल्टर में। यहाँ पर हम अपने फोटो को थोड़ा सा ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह, इसकी ल्यूमिनस वगैरह सेटअप करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका ब्लैक घटा लेते हैं, ब्लैक को माइनस में रखेंगे 91 करीब। शेडो को हम प्लस में रख देंगे 24, और फिर उसके बाद हाईलाइट्स को 43, और यहाँ पर हम भी है इसको भी थोड़ा सा प्लस में रख देंगे, बल्कि इसे छेड़ना बेकार है। तो यहाँ पर हमारा ये इतना हो चुका है। एक्सपोजर को थोड़ा सा हल्का सा माइनस में रखना है, या फिर बिल्कुल ही रहने नहीं देना है। तो कुछ लुक ऐसा निकल के आएगा अभी, तो देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है। अभी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस फोटो में बहुत काम है, तो इस वीडियो में आप आगे तक बने रहो, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसमें हम शैडो वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्रिएट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी शैडो वगैरह बनानी है, बट इसमें जो आईज चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। शुरुआत वाले पे मत जाना जो मैं आप लगा रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही पर्पज के लिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है ना। ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ये मैं ऐसे ही देखने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। हमें सबसे पहले मेन जो है हमारे लिए शैडो ही है, तो हम एक नई लेयर बना लेंगे यहाँ से क्लिक करके। ये नई लेयर आ गई, लेयर वन। अब हम क्या करेंगे, अपना ब्रश में ब्लैक कलर सिलेक्ट रखेंगे, और यहाँ पर तकरीबन फ्लो हमारा हल्का ही रहेगा। इस तरीके से हमें शेडो सी बनानी है ताकि हमारा पीछे का बैकग्राउंड के साथ फोटो मैच हो जाए। इस तरीके से हम इसका साइज छोटा कर देंगे ब्रश का, और इस तरीके से हमने कुछ ऐस टाइप से क्रिएट करना है। अभी ये सही नहीं हो रहा है, मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसे मास्क पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हैं इस पर मास्क पे आपको क्लिक करना होगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर जाके आपको इसका साइज जो है थोड़ा सा बस इस तरीके से आपने इसे मिटाना है, आपका ये मिटने लग जाएगा। आप इसे बस साइज को छोटा कर दीजिए और धीरे धीरे ऐसे रिमूव करना है आपने। और इसका दूसरा एक और तरीका है दोस्तों, इस ऑप्शन में जाना और यहाँ पर जाके आप मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर जाके अपने फोटो सेलेक्ट करके एक्सपोजर पे आप क्लिक कर देना और इसे यहाँ से इन्वर्ट कर देना। इसके बाद अपना एक्सपोजर डाउन कर लेना, आप एक्सपोजर जैसे डाउन करोगे वो क्या लुक आ रहा है कसम से, ओए ये तो बहुत डरावना लग रहा है। तो हमें एक्सपोजर इतना ही रखना है जितना मैं सेटअप कर रहा हूँ, आप भी इतना ही कर सकते हो, वरना आप अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हो। ऑफसेट को हम थोड़ा सा ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा लाइट रख लेंगे, और यहाँ पर हाँ बस दैट्स इट। अब ये इन्वर्ट तो हो ही चुका है। इन्वर्ट होने के बाद हम यहाँ से ब्रश से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे, फ्लो को 29 रखेंगे, साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और हम इसे मिटाना चालू करेंगे ऐसे। पर हमें इसमें साइज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हम अराउंड हाँ ये इस तरीके से हम इस पर शाइन डालेंगे, जैसे लगे कहीं से ब्लैक है कहीं से इस तरह की लाइट आ रही है। तो हमें ऐसा इफेक्ट बनाना है दोस्तों। ये भी आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का आपको पता चल रहा है कि यार, बट जिस हम इस कलर ग्रेडिंग फुल कलर ग्रेडिंग करेंगे आपको बहुत ही कमाल का लगेगा रिजल्ट। जैसा आपने थंबनेल में देखा है वैसा ही आपको मिलेगा। तो इसके फ्लो हमने कम कर लिए, इस तरीके से हम लाइट करते जाएंगे। ये हमने लाइट डाल दी है, अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर अब वापसी ब्लैक कलर भी लाना है, क्योंकि हमें वो सब कुछ करना है। तो हम यहाँ से इस लेयर कर देंगे और इस पर जाके यहाँ से ब्रश की हल्का हल्का इसे इसे मिटाना मिटाएंगे। ब्लैक कलर ही हम चूज करके रखेंगे, ब्रश हमारा ये रहेगा, बस हमारी ये मास्क लेयर वाली सिलेक्ट रखेंगे और इस तरीके से हम मिटाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप गौर से देख लो मैंने क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट कर रखी हैं, क्योंकि दोस्तों आप फिर बाद में कमेंट में बोलते हो कि भाई ये तो हो नहीं रहा है, तो इस वजह से देख लो ध्यान से कि मेरा माउस कहाँ कहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये व्हाइट कलर मैंने चूज़ कर लिया, अब मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। व्हाइट कलर से ध्यान रखना, हमेशा चीज़ें बढ़ती हैं, यानी कि अगर आपने ब्लैक कलर करा या कोई सा भी कलर करा वो वाइट इससे बढ़ेगा, वाइट से ब्लैक से घटता है। आईज़ को जो है हम दोबारा से सेटअप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वैसे ही मैंने रख रखी है। यहाँ से हम इस तरीके से इसे कलर को ले कर
वाइट को, और इस तरीके से हम इसे छुपा देंगे। That's it। तो दोस्तों ये हो चुका है, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर और स्क्रीन लाइट नहीं अब। तो अब हमें ब्रश का साइज बढ़ा लेना है, फ्लो को कम करना है दोबारा से, और इस तरीके से रगड़ना है जैसे कि आप देख रहे हो। दोस्तों इस तरीके से हम कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये शेडो बना रहा हूँ दोस्तों मैं, आपको बहुत आराम से इसमें काम लेना है, बहुत ध्यान से। यहाँ पर थोड़ी फ्लो जो है वो ज्यादा हो रहा है, साइज छोटा कर लेंगे। फ्लो को भी कम करना पड़ेगा हमें, आई थिंक फ्लो को कम करना पड़ेगा, फ्लो कम कर लेते हैं, अराउंड 12 या 13 के आसपास रखेंगे। अब इस तरह हम हल्के हल्के हम इस तरह क्लिक करेंगे, ये हमारी शेडो से बन रही है दोस्तों। इस तरीके से हम इस उंगली के आसपास भी शेडो बनाएंगे। मैं आपको इसलिए यहाँ पर आराम से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्शन में आ जाए कि शेडो बनती किस तरीके से है। अगर मैं आपको यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा तो वीडियो कोई मतलब नहीं बनता बनाने का, क्योंकि आपको वो चीज़ पता ही नहीं चली जो चीज़ पता चलनी चाहिए थी। तो इस तरीके से हमारी ये हल्की हल्की शेडो हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर नेक्स्ट काम, अभी भी शेडो का काम बहुत सारा बाकी है। ये तो दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम हुई है कि हमारे जो बाल हैं हमें फ्लो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और अपने बालों पे ये देखिए शाइन लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बाल जो है ना वो दिख नहीं रहे हैं। तो साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे सम राउंड, और हमें बालों पे भी चमक लानी पड़ेगी हल्की हल्की, ताकि हमारे बाल भी चमकना चाहिए इस तरीके से। बहुत हल्का हल्का ब्रश मारना है इस टाइप, इस तरह रुक रुक के ब्रश इस तरीके से मारना है ताकि ऐसा लगे कि शाइन आ रही है, मतलब बाल भी दिखने चाहिए ना। ये सारा ब्लैक आउट हो गया, सिर्फ फेस ही फेस दिख रहा है, वो थोड़ा कम कर लेंगे। और इस तरीके से हाँ, इस तरीके से हम ब्रश को यूज करेंगे। तो देख रहे हो दोस्तों बालों पर किस तरह की मैं शेडिंग डाल रहा हूँ। इसी तरीके से आपको एक ब्लैक कलर जो है उसे रिमूव करना है, ध्यान रखना। अभी आपके बालों पे भी लुक आ गया है। और अब हम अपनी आइस को सेटअप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आइस को सेटअप करना सीखेंगे, तो ये वाली सेटअप तो ओनली दूसरी ही लेनी पड़ेगी हमें। तो ये मैं दूसरी ले लेता हूँ, ये मैं यहाँ पर इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके आइस, आपको आप भी ऐसे ही ले सकते हैं सेम, ये आप कहीं से भी इंटरनेट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत जल्दी जब मेरी वेबसाइट लॉन्च होगी तो आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर प्रोवाइड हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है ये आई सेटअप। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हाँ जी गाइस, तो समझ ही गए होंगे आप किस तरीके से सेटअप हो रही है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यार आपके एक लाइक में आपको कुछ मिल जाएगा, एक सेकंड लगेगा पर वीडियो बनाने में घंटों लग जाते हैं, कई बार तो दो दो दिन भी लग जाते हैं।
तो हम सबसे पहले इसे मैं इसको यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ। अब मुझे इसे सेटअप करना होगा, अपने आईज रेटिना से बिल्कुल मिलाना है, मैच करना है। इस तरीके से हमने राइट क्लिक किया, अब मैंने इसे मास्क कर दिया। अब दोस्तों हम ब्रश लेंगे और यहाँ पर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करेंगे ताकि हमारी बिल्कुल आईज के अंदर ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल फिट हो गया है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, साइज थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसे हल्के हल्के रिमूव करेंगे। अगर कुछ ज़्यादा जाता है तो आप कंट्रोल जेड करके वापसी ले सकते हैं, मतलब अंडू कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करके तो कोई फायदा नहीं। हार्डनेस को 100% रख देंगे, 100% से भी काम। हार्डनेस को हम तकरीबन 32 रख देंगे। उसके बाद हम इसका धीरे धीरे इसे मूव करेंगे इस तरीके से, बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा इस तरह ऊपर से। थोड़ा सा अगर ज्यादा तो ले सकते हैं वापसी। इस तरीके से हमें इसे सेटअप करना होगा। देख रहे हैं दोस्तों कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से आप टूल्स का इन्हें सिलेक्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सबसे पहले न्यू लेयर बनाएंगे, ब्रश सेलेक्ट करेंगे, साइज यही रहेगा, बस हम इस तरह ब्लैक कलर के आउटलाइन फेर देंगे। और अब हमें इसे सेटअप करना है। यहाँ पर हम इसे देखेंगे कहाँ पर मल्टीपल पे सही है। यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देंगे। नॉर्मल ही सही रहेगा, ये भी मल्टीपल। हाँ 51 60 60 सही। तो गाइस अब हम इसे आइस को फिर दोबारा से रिमूव करने की कोशिश करेंगे थोड़े से, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था इसलिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। मतलब सेटअप करनी है बहुत अच्छे तरीके से कि मतलब ये रियलिस्टिक जैसी लगे। तरीके से हम रिमूव करेंगे इसे हल्के हल्के ये इस तरह हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसकी ब्लैक आउटलेट खुद बनाएंगे। हाँ जी गाइस ठीक है ना, हम इसकी खुद बनाएंगे। तो ये हमारे आईज सिलेक्टेड है ही। पर आउटलेट बनाने से पहले हम इसके ऊपर लाइटिंग का थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, क्योंकि मैं सारे वर्क को एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। तो इस तरह हम देख लेंगे लाइटिंग, हमें यहाँ से हम इसका ये साइज बढ़ा देंगे और साइज और बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिज़ाइन सा कुछ बनाएंगे ताकि उधर ही उधर वही शेप आनी चाहिए जो हमें चाहिए। दोबारा से करेंगे थोड़ा और
वो शेप नहीं बन पा रही है। मैं आज थोड़ा स्लो डाउन कर और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा इस तरीके से कुछ शेप बननी चाहिए। दोबारा से आई थिंक ये सही है। तो गाइस हम यहाँ पर अब कुछ चीजें और ऐड करने वाले हैं इसके साथ साथ ही। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करनी है, जैसे कि हम इसमें स्मोक ऐड करेंगे। ये देख, ये स्मोक आ चुका है। यहाँ पर हमें इसे सेटअप करना है इस तरीके से, दोनों साइड हम सेटअप कर देंगे। इस पे यू सैचुरेशन पे क्लिक करके यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट करेंगे और गाइस यहाँ पर जाने के बाद हम ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट या फिर डार्किंग डालेंगे, थोड़ा सा और डार्क कर देंगे यहाँ पर। आई थिंक साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इस तरीके से हमें करना है। ये तो लाइटिंग होगी। शॉप के अंदर क्योंकि हमें इसे पहले तो फोटो को सेव करना पड़ेगा, फिर हम इसको दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। कैमरा रो फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर जाके हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, तो जो सेटिंग मैं रख रहा हूँ वो यहाँ पर रख सकते हैं, क्लियरिटी वगैरह, और यहाँ पर हम कलर ग्रेडिंग वगैरह करेंगे। तो इस तरह के हम सारी चीज़ें यहीं पर ही सेटअप करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो क्लियरिटी जो है वो +18 है, डैश 0 है, एक्सपोजर को हम माइनस में लेके चलेंगे और इस तरीके से हम ये सेटअप कर देंगे। तो यहाँ से ऊपर से हम इस तरीके से हमें सेटअप करनी है। कुछ डार्कनेस वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से हमें थोड़ी शेडो सी बनानी पड़ेगी।
सो गाइज आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कुछ भी अगर मेरे से पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और बहुत जल्दी मैं अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको सारे PNGs प्रोवाइड करवा दूँगा। जो भी मैं लाइट रूम के प्रीसेट वगैरह बना के रखता हूँ वो सब मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम के लिंक नीचे हैंडल शो हो रहे होंगे या फिर साइड में, आप उन पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।